अरे तू रहने दे यार, ऐसे टेढ़े केसेस में मेरी किस्मत सबसे ज्यादा खराब रही है। याद है यार वो बेलापुर में जो एक भेंगा पंडित आया था? हाँ, आई नो। अजीब सा दिखता था ना वो। लेकिन रवि तू भी ना बहुत इनसेंसिटिव है यार, उस बेचारी की कंडीशन पर हमें ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे यार आई नो, बट तू मेरी भी सिचुएशन पे तो कुछ तरस खा। ये सही है कि उसमें उस बेचारी की क्या गलती, लेकिन यार हम लोगों की तो ऐसी की तैसी हो गई ना उस ऐस कर लेने में। रवि तू भी ना। अरे वाह यार के, अरे भाई ये सब किस लिए है भाई? सर जी ये बताएंगे श्री रजनीश सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, हमारे सुपर बॉस और गाइड। तो भाइयों और लेडीज, मिस्टर विजय प्रकाश जो कि इस सेंटर के सुपरवाइजर हैं और आपके बॉस को बेस्ट सेंटर सुपरवाइजर का अवार्ड मिला है। अगले हफ्ते दिल्ली में एक सम्मान समारोह में इन्हें इस खिताब से नवाजा जाएगा। अब बेस्ट सेंटर सुपरवाइजर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और अपने शुभ हाथों से ये केक काटे ताकि हम सब भूखे इस पर जल्दी से टूट पड़े। प्लीज सर, प्लीज। वन मिनट सर। सर पहले ये बताइए सर, ये फ्लैग वाला एरिया क्या दर्शाता है? घुमरी डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर, पिन कोड 402153। क्या बात है सर। ये है घुमरी, भारत के दिल में बसा एक ग्रामीण इलाका। इस शांत सुबह में यहाँ के खेत और खलिहान अपनी एक कहानी कह रहे हैं। क्यों सुनाई नहीं दे रही? अरे गौर से सुनिए भाई। अरे ये नहीं नहीं, मैं इस कहानी की बात नहीं कर रहा था, मगर मुझे लग रहा है कि खेत और गलियों की कहानी से ज्यादा आपको इस शोर शराबे में दिलचस्पी है। तो भाई ये है यहाँ का UID आधार का एनरोलमेंट सेंटर। अब आप पूछेंगे कि यहाँ इतनी भीड़ और मारामारी क्यों है, तो भैया यहाँ ऐसा ही चलता है, कभी सूखा तो कभी बाढ़। अरे साहब जल्दी से फिर कर लीजिए, हमारी गाय भी मारे। अरे ये क्या मजाक लगा के रखा है, हम लोगों को अनपढ़ समझ रखा है क्या? भाई साहब हम लोग भी पढ़े लिखे, जब सामान नहीं सकते तो इतने लोगों को बुलाने की जरूरत क्या थी? और यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है, प्यास से गला सूख रहा है और पानी की व्यवस्था तक नहीं है, खोलो जल्दी। सर जी पिछले चार दिनों में 428 एनरोलमेंट हुए बस, और जिस दिन भी पर्ची काट के दी उस दिन को छोड़ के कभी भी आता मंगते हैं लोग, और समझाने पर भैंस शुरू हो जाती सर। इनसे मिलिए, ये है यहाँ के राजा, सेंटर के सुपरवाइजर विजय कुमार। भाई हुलिये पर मत जाइए, इस सेंटर के ये वाकई में राजा हैं। लगता है सारी झुमरी को आज ही टाइम मिला, पिछले चार दिन से तो सारी टीम मुखिया मार रही थी। और ये जो सामने परेशान और बेबस खड़े हैं, ये हैं सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी, यहाँ के टेक सपोर्ट। अब भैया ये क्या होता है ये मत पूछना, जैसा कि आप देख ही सकते हैं इनका सिर्फ नाम ही सुखी है। इनसे मिलिए, ये हैं अल्ताफ, और इनके बगल में बैठे हैं हमारे रवि शर्मा उदास। ये किसी भी चीज में नुक्स निकालने में माहिर हैं और बहुत कम हंसते हुए पाए जाते हैं। अबे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, देखने का थैला रखा हुआ यहाँ। अब तू यहाँ थैला रख के भारत भ्रमण करने को चला जाएगा तो मैं कहते रहे इंतजार करूंगा है? और ये UIDAI की लाइन है, स्टेट बस की लाइन है। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? अपना थैला रख के और लाइन में। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? चुप चल रहे हैं ऐसे। ए चाचा हाँ, अपने मौज का ख्याल करो, उम्र का ख्याल रखो, समझे? आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन यहाँ ऐसा ही मेला लगता है। अब मेले में छोटी मोटी नोक झोंक खाता पाई तो हो ही सकती है, भाई इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। ये है मेरी, यहाँ एक ऑपरेटर हैं, जो छोटी मोटी भी बात पर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगती हैं। उनके ठीक बगल में हैं उषा, इस सेंटर की सबसे अच्छी परफॉर्मिंग ऑपरेटर,
और गोपाल, जो इस वक्त पसीने पसीने इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये यहाँ नए नए सुपरवाइजर हैं और जल्द ही ऐसी समस्याओं का समाधान इन्हें अपने इसी में खुद करना पड़ेगा। चलो यार चाय पी लो, लिसन चाय पिला। क्या सेंटर है यार। अरे सर इनकी तो सबके सब जानवर हैं। कितना बताया, कितनी पर्चियां बांटी, किसको कब आना है, कहां आना है, कैसे आना है, लेकिन यहां तो सब खलीफा है, सब अपने हिसाब से चले आते हैं। सर 500-600 आदमी था आज सेंटर पर। सर आज तो लोगों ने सिर्फ कपड़े फाड़ने बाकी छोड़े थे। हम क्या सर, इन लोगों के लिए सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। बुरा मत मानिएगा सर, एक नंबर के गुंडे हैं सबके सर, एक नंबर के। सर ऐसे सिचुएशन में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं मेरी, ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं बैठे हैं। ऊपर से ये लोग उतने बुरे नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। अरे सर आज 40वां दिन हो गया है, 30 दिन में काम खत्म करके निकलना था। पिछले सेंटर में हम बिफोर टाइम काम खत्म करके निकल गए थे, क्वालिटी भी टॉप थी और इंसेंटिव भी सही बना था। अरे भाई इस बार इंसेंटिव भूल जाओ, जूते पड़ेंगे अलग। यार मैंने बात की है अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रजनीश साहब से, वो कल आ रहे हैं, इसका कुछ तो इलाज ढूंढना पड़ेगा ना। चलो चाय पी के निकलते हैं। चल चुकी देख लो कर यार, आज तो दिमाग की दही हो गई। नेताजी की चिट्ठी जो आप बतौर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस लेके आई हैं, इसमें पता सज्जन कॉलोनी लिखा है, इसे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पड़ोसियों के तो सबके बन चुके हैं। देखो दो साल पहले चुनाव के टाइम पर घुमरी को सज्जन कॉलोनी और अलकापुरी में बांट दिया गया था, पर अब सरकारी आदेश आया है और फिर से घुमरी हो गया है। लेकिन ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई, नेताजी हमारे लिए थोड़ी ना बैठे, अब फिर से हमें चक्कर काटने पड़ेंगे। नहीं ऐसा नहीं, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि नेताजी को छोड़ के भी कुछ लोग हैं जिनसे तुम चिट्ठी ले सकते। ये इस लिस्ट में से तुम किसी से भी बनवा लेना। अब 4000 लोग नेताजी के पास पहुंच जाओगे तो देर तो लगेगी ही और सभी परेशान होंगी। सो अलग अच्छा ये बात हमें किसी ने बताई नहीं। सर रजिस्ट्रार के लोग इन्हें ठीक से बताते क्यों नहीं है। साहब रजिस्ट्रार के लोग ना एक नंबर के, वो क्या कहते कि सर। तो जैसा आप जानते हैं ये हैं हमारे रजनीश साहब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, सारा आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ काम कर रही दो एनरोलमेंट एजेंसीज और सभी सेंटर्स इनके ही अंडर आते हैं। क्या सर ये गांव वाले कम है जो आप भी हमारी टांग खींच रहे हैं। इसका मतलब तुम भी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो कि रजिस्ट्रार के लोग लापरवाह हैं। हाँ सर पूरी तरह से नहीं। तो तुम्हारे यहाँ कुछ चाय वाली भी लोगे क्या। अरे चलो सर आइए आइए सर। ये फ्रेश है। तो ये तो हम सब एग्री करते हैं ना कि मेन प्रॉब्लम है कि फ्लो पर कोई कंट्रोल नहीं है। कभी एक दिन में 600 लोग आ जाते हैं, कभी सिर्फ 100। इसी वजह से सारे इश्यूज हो रहे हैं, क्राउड कंट्रोल, क्वालिटी प्रॉब्लम और यहाँ तक कि तुम लोगों का इंसेंटिव भी। क्यों? लेकिन सर क्राउड को लाना और मैनेज करना रजिस्ट्रार का काम है। ये बात भी ठीक है लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा ही हो रहा है ना, तो झमेले भी तुम्हारे हैं, इंसेंटिव भी तुम्हारा ही जाएगा और क्वालिटी खराब होने पर झाड़ भी तुम्हें ही पड़ेगी। बट सीरियसली तुम लोग अपने लेवल पर जो कुछ कर सकते हो वो कर रहे हो क्या? तुम लोगों की ट्रेनिंग हुई है ना, तो ये बताओ कि तुम लोगों का काम क्या है। सर काम तो सिंपल है, काम यह है कि एक रेजिडेंट की सारी डिटेल्स ढंग से चेक करके उसको सिस्टम में फीड किया जाए, फिर उसका बायोमेट्रिक डिटेल्स लेकर के उनको सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करके एक एनरोलमेंट स्लिप दे दी जाए
और स्लिप को उनको अपने पास संभाल के रखना है। बेटा रवि, मैं सिर्फ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ, पूरा प्रोसेस नहीं। हर एनरोलमेंट सेंटर के एम्प्लॉय का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑपरेटर हो, सुपरवाइजर हो या फिर टेक्निकल सपोर्ट, हर सेंटर के एम्प्लॉय का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सर, उन्हें यूआईडी आधार के महत्वपूर्ण फायदे बताना और हर एक रेजिडेंट को मिनिमम परेशानी और पूरी एक्यूरेसी के साथ यूआईडी आधार के लिए एनरोल करना। बिल्कुल सही कहा उषा। अगर तुम लोग पहला काम अच्छी तरह से कर लो तो दूसरा काम अपने आप आसान हो जाएगा। लेकिन तुम लोग क्या पहला काम अच्छे ढंग से कर रहे हो क्या? पर सर, रजिस्ट्रार की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। देखो रवि, अब ये बात हुई है ना कि जब काम हमारा है तो परेशानी भी हमारी है, और सच पूछा जाए तो रजिस्ट्रार की तरफ उंगली उठा देना बहुत आसान। तुम लोगों को अपनी परेशानी दिखाई दे रही, लेकिन रजिस्ट्रार का काम कितना मुश्किल है ये कभी सोचा आप लोगों ने? देखो, रजिस्ट्रार ने भी काफी इम्प्रूव किया है, इसका रिजल्ट हमें हर जगह दिख भी रहा। पर सर, यहाँ के लोगों को हमने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी हैं, पर लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है सर। और तो और सर, यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि वो सेंटर पे आके हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अब इन बेवकूफों को कौन बताए कि ये इन्हीं के फायदे के लिए हो रहा है। अच्छा, कभी तुम लोगों ने उनके साथ खुल के बातें की? कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, क्या खाते हैं, कितना कमाते हैं? और मिस्टर अल्ताफ, यूआईडी आधार ज्वाइन करने से पहले इसके बारे में तुम्हें क्या पता था? तुम्हें भी किसी बेवकूफ ने समझाया था ना, तब पता चला? आप ही ने बताया था सर। अरे तो ज्ञान बांटना मेरे भाई, उसको तिजोरी में रख के क्यों बैठा है? और विजय सो, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, तुमने क्लियरली सबको इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक किया, लेकिन क्या किसी को बैठा गया समझाया कि आधार उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? और वो उनके जीवन में सिर्फ एक बार इशू होगा और इसी के दम पर उन्हें केंद्रीय और राज्य योजनाओं का लाभ मिलेगा, बैंक अकाउंट खुलेगा, उन्हें किसी साहूकार या फिर दलाल के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और ये नंबर उन्नत भारत की छवि उनकी चौखट तक ले आएगा। एक बार, सिर्फ एक बार अगर इन लोगों को इनकी ही भाषा में समझा पाओ कि आधार उनके लिए कितना जरूरी है, तो इनका सपोर्ट तुम्हें अपने आप मिलने लगेगा। हाँ सर, इस मामले में तो उषा चैंपियन है, इसीलिए उषा के सब यहाँ इतने फैन हैं। अरे सर, लेडीज आते जाते इसको चाय पे बुलाती हैं। रवि, और तुमने नोट किया, सबसे ज्यादा टॉप इंसेंटिव भी इसका ही बनता है। अरे वाह उषा, तुम तो छा गई। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ। हमने पूरी इंडिया में सेंटर ऑपरेशंस का स्टडी किया, हमने देखा कि कुछ सेंटर्स में छोटी छोटी बातों पर लोगों ने ध्यान देकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत इम्प्रूव किया है। मैं उनमें से कुछ आइडियाज जो तुम जैसे लोगों ने ईजाद किए हैं तुम्हें दिखाता हूँ। रेसिडेंट का एनरोलमेंट पूरा होने में तो तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, पर अगर इसमें वेटिंग टाइम को जोड़ दिया जाए तो रेसिडेंट एनरोलमेंट सेंटर पर अच्छा खासा समय लगता है। एक अच्छे आधार सेंटर का पूरा माहौल ऐसा होना चाहिए कि लोग यहाँ आने के लिए और आधार से जुड़ने के लिए प्रेरित हों। इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे सेंटर साफ सुथरा हो, कहीं कोई कूड़ा कचरा मक्खियाँ आदि न हो, आधार के पोस्टर्स, बैनर्स और अन्य प्रमोशनल सामान ठीक से डिस्प्ले किए गए हों, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा जैसे हिंदी, कन्नड़, गुजराती, बंगाली इत्यादि में दिशा निर्देश सूचित किए गए हों, सेंटर के बाहर जहां लोगों के एकत्रित होने की संभावना हो वहां धूप से बचाव के लिए प्रबंध हो, इंतजार करने वाले लोगों के लिए कुर्सियों का प्रबंध हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, लोगों की मदद के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स इत्यादि हों, वॉलंटियर्स हों जो कि प्रतीक्षा में खड़े लोगों को आधार और उसके फायदे के बारे में बताएं और उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आधार के बारे में निम्न जानकारी हर रेसिडेंट को स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। एक, आधार एक 12 अंक का नंबर है जो सरकार द्वारा हर रेसिडेंट को निःशुल्क दिया जाएगा। दो, आधार हर रेसिडेंट को जीवन भर के लिए सर्वमान्य और अनोखी पहचान देगा। तीन,
ये हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही बार बनेगा और इसे भारत में कहीं से भी बनाया जा सकता है। 4. वैसे तो आधार सिर्फ एक नंबर है, पर इसके माध्यम से सभी रेसिडेंट्स ये स्थापित कर पाएंगे कि वो कौन है और किन केंद्रीय व राज्य सरकारी योजनाओं के दायरे में आते हैं। आधार के जरिए केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं जैसे नरेगा में मिलने वाली राशि, वृद्धावस्था पेंशन, सरकारी राशन इत्यादि को उनके सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी मदद मिल सकती है। अरे किशन, कहाँ गया? इधर आ। अब तू भी अपनी कमर कस ले, समझ गया? हाँ, सिर्फ चाय बनाने से काम नहीं चलेगा। अच्छा किशन, ये बताओ कि आधार क्यों जरूरी है? सर, ये हमको नहीं मालूम, हमें तो बस भीड़ पर काबू रखना आता है। लो, गई भैंस पानी में। मिस्टर विजय, अरे सुपरवाइजर साहब, जब अपनी फौज को तुम सही रास्ता नहीं बता पा रहे हो तो जंग क्या खाक जीतोगे? खैर छोड़ो, अगली क्लिप देखते हैं। ये है आधार सेंटर का पहला पड़ाव, वेरिफिकेशन। यहाँ पर रेसिडेंट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे नाम, पूरा पता, लिंग और उम्र, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के माध्यम से कलेक्ट और वेरीफाई होती है। सबसे पहले रेसिडेंट्स भरा हुआ एनरोलमेंट फॉर्म POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और POA यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस वेरिफिकेशन डेस्क पर जाते हैं, जहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और वेरीफायर्स ये चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में दी गई जानकारी एनरोलमेंट फॉर्म में ठीक से भरी गई है। यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो तो वेरीफायर्स रेसिडेंट को बताते हैं कि क्या करना है, और यदि एनरोलमेंट फॉर्म भरने में रेसिडेंट को कोई दिक्कत आ रही हो तो वेरीफायर्स उनकी मदद भी कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए रेसिडेंट्स निम्न डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक प्रस्तुत कर सकता है। पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटो वाला राशन कार्ड, वोटर कार्ड, किसान फोटो पासबुक, पेंशन फोटो कार्ड इत्यादि। ध्यान रहे कि केवल फोटो वाले डॉक्यूमेंट से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में मान्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिना फोटो वाला राशन कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में मान्य नहीं है। इसी प्रकार प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी रेसिडेंट निम्न डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक प्रस्तुत कर सकता है। पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, किसान पासबुक, पेंशन कार्ड, नरेगा का कार्ड इत्यादि। कभी कभी कुछ रेसिडेंट्स के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इनके लिए इंट्रोड्यूसर्स का विकल्प है। इंट्रोड्यूसर्स एरिया के मुख्य लोग होते हैं, जैसे पंचायत प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, पोस्टमैन, विलेज टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जिनका अपना आधार बन चुका है। ये लोग रजिस्ट्रार द्वारा आइडेंटिफाइड होते हैं और उन रेसिडेंट्स के एड्रेस या आइडेंटिटी को प्रमाणित करते हैं जिन्हें ये व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। और तो और, जिस परिवार के सदस्यों के पास प्रूफ ऑफ एड्रेस या आइडेंटिटी नहीं है पर उस परिवार के मुखिया का आधार पुख्ता दस्तावेजों की मदद से बन गया है, उस परिवार के अन्य सदस्यों को फिर इंट्रोड्यूसर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है और उनका एनरोलमेंट हेड ऑफ द फैमिली के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसी सूरत में परिवार के अन्य सदस्यों को सिर्फ मुखिया के साथ एक प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है, पर उन्हें अलग से कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं देना होगा। पर याद रखें कि हेड ऑफ फैमिली के तहत एनरोलमेंट होने के लिए परिवार के मुखिया का अपना एनरोलमेंट पुख्ता दस्तावेजों पर होना जरूरी है। इंट्रोड्यूसर द्वारा एनरोल हुए व्यक्ति के द्वारा हेड ऑफ फैमिली एनरोलमेंट मान्य नहीं होगा। अंत में भरे हुए एनरोलमेंट फॉर्म्स के साथ डॉक्यूमेंट्स की प्रतिलिपियां लगाकर वेरीफायर फॉर्म को साइन करता है, जिससे अगले पड़ाव पर एनरोलमेंट की एक्चुअल प्रक्रिया शुरू हो सके। बिना वेरीफायर द्वारा साइन फॉर्म्स का एनरोलमेंट नहीं किया जाता। तू कहाँ भाग रहा है? इधर ज्यादा समझ आ रहे हैं? नहीं, बता ना, इसमें बताई गई हुई कितनी चीजों को तू फॉलो करता है? अरे बता दे भाई, बता दे, हमारे हम सब नंगे हैं। अरे भाई, ये क्लिप मैं तुम लोगों को एक दूसरे की खामियां बताने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काम अपनी तरह से करो,
लेकिन बेसिक्स पूरे फॉलो करो। ये तुम्हारे भाई बंधु हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, अगर ये कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब आता है आधार सेंटर का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, एनरोलमेंट स्टेशन। वेरीफायर द्वारा साइंड एनरोलमेंट फॉर्म और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ रेसिडेंट यहां आता है। यहां पर एनरोलमेंट फॉर्म में दी गई डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और रेसिडेंट की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। ये बहुत सावधानी और जिम्मेवारी का काम है, क्योंकि यहां होने वाली छोटी सी भूल चूक एक रेसिडेंट की उसकी अनोखी पहचान दिलाने में बाधक बन सकती है। एनरोलमेंट स्टेशन का लेआउट और डिजाइन ऑपरेटर्स की एफिशिएंसी और रेसिडेंट की सहूलियत को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। सेटअप में निम्न बातों का होना बहुत जरूरी है। एनरोलमेंट स्टेशन की टेबल साफ हो, मशीन साफ हो और बेकार कागज इत्यादि न फैले हों। ऑपरेटर और रेसिडेंट एक दूसरे के नजदीक पर 90 डिग्री के कोण पर बैठे हों, न कि आमने सामने। इससे बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेने में आसानी होगी। कंप्यूटर की एक स्क्रीन ऑपरेटर की तरफ हो और दूसरी रेसिडेंट की तरफ, दोनों स्क्रीन्स चालू हों। इससे कंफर्मेशंस और कंसेंट लेने में सुविधा होगी। रेसिडेंट की कंप्यूटर स्क्रीन पर कैमरा लगा हो जो कि रेसिडेंट से लगभग 4 फुट की दूरी पर हो। कैमरे के पीछे लाइट का प्रबंध हो, इससे फोटो लेते समय लाइट रेसिडेंट के चेहरे पर बराबर से पड़ेगी और फोटो बिल्कुल साफ आएगी। रेसिडेंट के पीछे एक सफेद बैकग्राउंड हो जिससे फोटो बिल्कुल साफ और स्पष्ट आए। ये सफेद बैकग्राउंड कोई चादर या स्क्रीन हो सकती है। हर दिन एनरोलमेंट शुरू करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक, ये चेक करना कि सेंटर की सारी व्यवस्था एनरोलमेंट सेंटर चेकलिस्ट के अनुसार पूरी है। जांच करने के बाद सुपरवाइजर का चेकलिस्ट को साइन करना बहुत जरूरी है। दो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या GPS आपके एनरोलमेंट क्लाइंट का हिस्सा है जो कि GPS डोंगल के माध्यम से एक्टिवेट होता है। दिन के शुरू में सिस्टम चालू करते समय GPS डोंगल को अवश्य एक्टिवेट करना चाहिए जिससे आपके सेंटर की जगह का सही सही रिकॉर्ड रखा जा सके। और अब शुरू होती है असल एनरोलमेंट प्रक्रिया। एनरोलमेंट स्टेशन, उसका माहौल, कंप्यूटर और अन्य मशीन्स रेसिडेंट के लिए एक नया और अटपटा एक्सपीरियंस हो सकता है। इसलिए ऑपरेटर्स को रेसिडेंट्स के साथ पेशेंस और सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए। यहाँ पहले ऑपरेटर का काम है कि वो रेसिडेंट का एनरोलमेंट फॉर्म ले और उसकी जानकारी पूरी सावधानी से कंप्यूटर में फीड करे। हर इंफॉर्मेशन को रेसिडेंट के साथ बोल बोल कर कंप्यूटर में फीड करे। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में पूरा डाक पता रेसिडेंट से पक्का कर लें। उन्हें बताएं कि उनका आधार नंबर इसी पते पर डिलीवर होगा और इसीलिए ये पता सही होना जरूरी है। इसी तरह नाम की स्पेलिंग को भी जांच लें और यदि कंप्यूटर द्वारा ट्रांसलिटरेशन में फर्क हो तो ठीक कर लें। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में मिश्रा और मिश्र को एक ही तरह से स्पेल किया जाएगा, यानी MISHRA, पर हिंदी में ये दोनों के अंत में आ की मात्रा का फर्क होगा। पहली स्क्रीन पर सभी जानकारी सावधानी से पूरी करके और कंसेंट लेकर ही अगली स्क्रीन पर जाएं। बैंक डिटेल्स सेक्शन में यदि रेसिडेंट आधार से जुड़े बैंक अकाउंट के बारे में कुछ जानकारी चाहे तो उसे इसके फायदे के बारे में बताया जा सकता है। यदि नहीं तो ऑपरेटर को चाहिए कि वो केवल एनरोलमेंट फॉर्म में दी गई जानकारी को ही फीड करे। इसके बाद बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बारी आती है जिसमें फोटो, फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन शामिल हैं। पर सबसे पहले कोई बायोमेट्रिक एक्सेप्शन हो तो उसकी फोटो लेकर रिकॉर्ड करें। अब सबसे पहले फोटो, फिर से चेक कर लें कि वाइट बैकग्राउंड हो, लाइटिंग सही हो और चेहरे पर कोई शेडो न हो, चेहरा पूरा दिख रहा हो, यानी बुरका इत्यादि ठीक है यदि चेहरा, माथा और दोनों कान दिख रहे हों। बच्चे यदि अपने सामने स्क्रीन में अपनी फोटो देखकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हों तो उनकी स्क्रीन कुछ देर बंद कर दें। शिष्टता के नाते वैसे तो किसी भी रेसिडेंट से शारीरिक संपर्क उचित नहीं है,
पर यदि बुजुर्गों या महिलाओं की मदद के लिहाज से इसकी जरूरत पड़े तो पहले उनकी अनुमति लेना न भूलें। सही फोटो लेने के लिए 4 चांस दिए गए हैं, पर फिर भी कोशिश करें कि पहली बार में ही ध्यान से ठीक फोटो लें। इससे सभी का टाइम बचेगा और क्वालिटी भी अच्छी आएगी। यदि किसी कारण सिस्टम फोटो रिजेक्ट कर दे तो QSS डिटेल्स को देखना न भूलें और उसकी मदद से सब ठीक करके ही फिर से फोटो लें। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स का स्कैन लिया जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से पहले निम्न बातों का ध्यान रखने से स्कैन क्वालिटी अच्छी आएगी। रेसिडेंट की उंगलियां एक नम और साफ कपड़े या स्पॉन्ज से पोंछ लें। उंगलियां स्कैनर पर ठीक से रखें और अगर जरूरत हो तो उन्हें धीरे से अपने हाथ से दबाएं ताकि रेसिडेंट की उंगलियों और स्कैनर के बीच गैप न रहे और अनजाने में आपकी उंगलियां भी स्कैनर से न टच करें। 3 स्कैन्स लिए जाते हैं। एक एक करके दोनों हाथों की चारों उंगलियों का स्कैन लिया जाता है और फिर दोनों अंगूठों का स्कैन एक साथ लिया जाता है। फोटो की तरह यहाँ भी हर स्कैन के लिए 4 चांसेस दिए गए हैं, पर फिर भी कोशिश करें कि पहली बार में ही ध्यान से ठीक स्कैन लें और यदि रिजेक्शन आए तो QSS डिटेल्स को देखना न भूलें। अंत में आयरिस स्कैन लिया जाता है। आयरिस स्कैनर कैमरा रेसिडेंट के हाथ में न दें। रेसिडेंट को बताएं कि आंख पूरी खोलनी है और सहज रूप से ठीक सामने देखना है। बच्चों और बुजुर्गों को आश्वस्त करें और जल्दबाजी न करें। हड़बड़ाहट से लोग उत्तेजित हो जाते हैं और आंखों की हरकत बढ़ जाती है। इससे आयरिस स्कैन लेने में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यहाँ भी फोटो और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की तरह 4 QSS डिटेल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे सर, आप गलत क्लिप दिखा रहे हो। इसमें हमारी PT उषा होनी चाहिए। इसमें उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ख्याल ताप भाई, आप भी ना कॉम्प्लीमेंट देते समय भी मेरी टांग खींच रहे, गलत बात है। और मैरी, तुम क्या तुम उषा की तरह ये सब फॉलो कर रही हो? अभी नहीं सर, पर कल से मैं उषा की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस कंप्लीटली फॉलो करूंगी। गुड, वेरी गुड। मैं उषा, कल शूटिंग वालों को बुला के रिकॉर्डिंग करवा ही लेते हैं। क्यों सर? भाई हमें भी तो पता चले तुम्हारे सीक्रेट। क्या सर, कोई सीक्रेट नहीं है। अब हम आते हैं रेसिडेंट के एनरोलमेंट प्रोसेस के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ पर रेसिडेंट्स की डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को रेसिडेंट के साथ फिर से कंफर्म किया जाता है और उनका कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट स्क्रीन पर सभी रिकॉर्डेड डिटेल्स को एक एक करके और बोल बोल कर रेसिडेंट से फिर शेयर करें और उनसे हामी ले लें कि ये सही है। रेसिडेंट से पूछें कि क्या आप वेलफेयर स्कीम और अन्य सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले डिपार्टमेंट से ये जानकारी शेयर करना चाहेंगे, और उनकी हामी रिकॉर्ड करें। फिर स्लिप प्रिंट करें। इस स्लिप में एक ही जैसे दो भाग होते हैं। एक भाग पर ऑपरेटर साइन करता है और एक्नॉलेजमेंट या पावती के रूप में रेसिडेंट को देता है। रेसिडेंट को बताएं कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में यदि कोई त्रुटि पाई जाए तो 96 घंटे के भीतर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिखाकर एरर रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को बदला नहीं जा सकता। इसके बाद मुस्कान के साथ रेसिडेंट का धन्यवाद दें और ये निश्चित करें कि रेसिडेंट खुशी खुशी वापस जाए और एनरोलमेंट सेंटर पर हुए सुखद अनुभव अन्य रेसिडेंट्स के साथ शेयर करें। रेसिडेंट्स का आधार नंबर डाक द्वारा रेसिडेंट्स के रिकॉर्डेड पते पर आ जाएगा। इसके अलावा अब तो रेसिडेंट्स के लिए ई आधार की सुविधा भी उपलब्ध है। रेसिडेंट्स इंटरनेट पर जाकर अपना ई आधार स्वयं जेनरेट कर सकते हैं। कभी कभी आधार नंबर के आ जाने के बाद भी कुछ जानकारी अपडेट करने या बदलने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे बच्चे जब 15 वर्ष से अधिक आयु के हो जाएं या स्थायी पता बदल जाए इत्यादि। ऐसे में UIDAI द्वारा स्थापित अपडेशन सेंटर्स में जाकर रेसिडेंट्स अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करवा सकते हैं या अपडेट की रिक्वेस्ट खुद भी UIDAI के अपडेट पोर्टल पर दे सकते हैं। पोर्टल का एड्रेस है
https://portal.uidai.gov.in/update-portal. छोड़ो ये सर, क्या उल्लू बना रहे हो सर, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। किसी एक्चुअल एनरोलमेंट सेंटर में अगर ऐसे काम हो रहा हो ना सर, तो मैं नौकरी छोड़ दूँ, ऐसे नहीं होता है सर। अरे मेरे एंग्री यंग मैन, अभी थोड़ी देर पहले सर फारसी थोड़ा ही बोल रहे थे। काम अपनी तरह से करो, पर अधूरा मत करो। पहले डिस्कस की गई बातों को ध्यान में रख के करो, दैट्स इट। और बाय द वे रवि, ये सेंटर की एक्चुअल फुटेज है, ये देखो डिस्ट्रिक्ट और ये देखो डिटेल। बस रवि, और मुझसे नहीं देखा जाता। अच्छा, डाल दे अपना रेजिग्नेशन। अरे वो मैं ऐसे कह रहा हूँ। रवि हाँ, अब आया सुखी पाजी में फंदा। कहाँ है सुखी? हाँ, अब आया फंदा ना बेटा। क्या, मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ और मेरे काम में कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे। हर दिन के अंत में ऑपरेटर्स को दिन भर के बॉर्डरलाइन केसेस जिनमें कोई डाउट हो उन्हें सुपरवाइजर के साथ शेयर करना चाहिए। सुपरवाइजर स्वयं या इंट्रोड्यूसर से मिलकर इन केसेस पर अपना निर्णय ले सकता है और यदि किसी डेटा में एरर करेक्शन की आवश्यकता हो तो 96 घंटों के अंदर रेसिडेंट के साथ करेक्शन की कार्यवाही कर सकता है। सिर्फ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में ही एरर करेक्शन किया जा सकता है। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को एक बार रिकॉर्ड होने के बाद करेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी बेहतर यही होगा कि हर निवासी एनरोलमेंट के समय ही रिकॉर्ड की गई हर जानकारी को ठीक से जांच और परख ले। इसके बाद सारे दिन के एनरोलमेंट फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाना चाहिए और हार्ड कॉपीज को एकत्रित करके डॉकेट्स अर्थात बंडल में बांध कर रखना चाहिए, जिसे बाद में रजिस्ट्रार द्वारा कलेक्ट किया जा सके। चलो फाइनली सब कुछ अच्छा था, सबकी मेहनत रंग लगी और उषा ने काफी अच्छा काम। अरे यार किशन, क्या यार तुम बैठे बैठे मुंह देख रहे हो यार, एक एक कप चाय और बनाओ यार। सुन अदरक डाल देना। हाँ सर की बात तो ठीक है और दूसरे लोग भी तो कर रहे हैं। आई एम श्योर ये छोटे छोटे टिप्स है ना, वो काम करेंगे। ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। क्या बात है रवि, तुम तो एंग्री यंग मैन से ऑप्टिमिस्ट बन रहे हो। तो फिर ठीक है, कल से ही शुरू। यस एनरोलमेंट सेंटर में हर ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए आईडी कार्ड को पहन के रखना जरूरी है ताकि हर रेसिडेंट आपको पहचान सके। इससे रेसिडेंट के साथ आपसी तालमेल बनाने में आसानी होगी। तो ये है घुमरी। एक मिनट, याद आया, ये लेटर मैं तुम लोगों की टीम को पर्सनली डिलीवर करना चाहता था। पर इसमें लिखा क्या है सर? बस इतना ही कि पूरे सेंट्रल इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट में से तुम लोगों के सेंटर ने इस महीने भी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। थैंक यू सर, ये सब आपकी कोचिंग का ही नतीजा। नहीं, कोचिंग तो मैं देता ही रहता हूँ, लेकिन ये रिजल्ट तुम लोगों के कमिटमेंट और एफर्ट की वजह से आए हैं। हर तरह के सेंटर में तुम लोगों ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है। वो सबक भी आप ही का है कि सक्सेस रेजिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है कि हम अपने आप को और रेजिडेंस को कैसे मैनेज करते हैं। तुम तो ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हो गए भाई, हमारी नौकरी लोगे क्या? सर केक वेट कर रहा है, काटें। हाँ हाँ भाई, काटें। मुझे लगता है कि ये केक मेरा अकेले काटना ठीक नहीं, तुम सब आओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये है। इस खुशी के माहौल को आगे बढ़ाते हुए अच्छी खबर ये है कि एक आधार द्वारा सभी ऑपरेटर्स को सॉफ्टवेयर और क्वालिटी इश्यूज में ट्रेन करने के लिए नियमित ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं। दो, इसके साथ साथ एक फील्ड कोचिंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। और तो और, तीन, पंचायती राज संस्थाओं और जिले स्तर के अधिकारियों को भी आधार में उनकी भूमिका और योगदान के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आइए हम सब मिलकर और पूरे दिल से इस मुहिम में अपना योगदान दें। धन्यवाद।